जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो पटवारी सेकंड शिफ्ट की एग्जाम छूट चुकी है, आप देख सकते हैं हरियाणा कॉलेज पर खड़े हुए कितनी ज्यादा भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही। जस्ट अभी 6:30 बज गए और अभी बस बच्चे बाहर निकले, तो आइए जानते हैं सेकंड शिफ्ट पर क्या स्कोर था बच्चों का, क्या था पेपर का, सारी चीजें हम आपको क्लियर करने वाले हैं और एक एक चीजों का एनालिसिस आपको करवाने वाले हैं, ताकि आगे जब भी आप पेपर देने के लिए आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर हेल्प मिल पाए और आपको स्कोर करने में वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। सेक्शन वाइज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर का लेवल यहाँ पर क्या आ रहा है, तो पूरी चीजें आप कोशिश करेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा, स्कोर किया। सर शुभ नाम आपका? स्वतंत्र शर्मा नाम है सर। स्वतंत्र शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? खरगोन के। खरगोन के। सर आपका नाम? अंकित सोनी। अंकित सोनी जी कहाँ के रहने वाले? विदिशा। विदिशा। सर आपका नाम? कौशलेंद्र सिंह। कौशलेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले? ग्वालियर से। ग्वालियर से। तो सर क्या स्कोर रहा आपका? 46। तो कैसा क्या लग रहा पेपर? मैथ का लेवल थोड़ा सा टफ है, मैथ में एडवांस ज्यादा पूछ रहा है जी। वर्ग आया और समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन ज्यादा थे, पाई चार्ट और अपना जो ग्राफ्स वगैरह है उसके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के भी 5-6 क्वेश्चन थे जी। और मैथ का अर्थमेटिक में कम ही है, अर्थमेटिक में 2-4 क्वेश्चन है, चाल दूरी समय का क्वेश्चन था, कार्य और समय वाला फाइमन वर्क होता है, टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन ज्यादा आए थे और कुल मिला के एडवांस ज्यादा आया था मैथ में। तो कौन से क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रहा थोड़ा सा बताएंगे? मतलब क्वेश्चन ज्यादातर ग्राफ और चार्ट के थे सर। ग्राफ और वाला अगर हम बात करें जैसे मैथ का क्वेश्चन, ये मान के चलो कि 35-38 क्वेश्चन मैथ के, 35-38 क्वेश्चन जी सर। जो सुबह के सबके बच्चों ने बोला था कि एमपी जीके वगैरह थोड़ा सा ज्यादा आया, तो ऐसा एमपी जीके कम था, 2 से 3 क्वेश्चन एमपी जीके के थे। तो आप जो आने वाले स्टूडेंट को क्या बोलना चाहिए? आने वाले स्टूडेंट को यही कहेंगे सर कि मैथ्स और इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, और हिंदी मैनेजमेंट और कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो इजी आ रहे हैं, उसमें कोई डर वाली बात नहीं। तो आपने अभी फर्स्ट टाइम दिया था, इसके पहले भी दिया था आपने? इससे पहले मैं बेसिकली 2013 से पेपर दे रहा हूँ, 2013 से तैयारियाँ कर रहा हूँ, पीएससी के भी 2 मेंस दिए हुए हैं। अच्छा, तो पटवारी का 17 में तो नहीं दिया था, लेकिन जेल प्रहरी यूपीएसआई जैसी एग्जाम दे चुका हूँ मैं, उनमें भी अच्छे स्कोर्स है, कुछ वजह से उसमें फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था जी। जी तो पटवारी का तो पहली बार दे रहा हूँ मैं और अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से, 136 जी, बहुत अच्छा है, मतलब जिनकी पढ़ाई अच्छी है वो स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी अच्छी होगी। ओके सर, थैंक यू। सर जी आपका स्कोर 143 आपके 143 नंबर है, तो कैसा रहा आज का पेपर का लेवल आप बताइए कुछ? लेवल वो इजी टू मॉडरेट जी था, मैं वन सी आ रही है भैया ने बताया एडवांस बहुत इजी लेवल है, आपने एक दो बार देखा होगा समझ जाएगा आराम से। इसके अलावा अपन मैनेजमेंट में मॉडरेट है, आपकी आपकी समझ अच्छी है तो आप मैनेजमेंट निकाल लें। 25 है एक पोर्शन के आपके? नहीं ऐसा नहीं आ रहा, पूरा मिक्स आ रहा है, पूरा मिक्स आ रहा है, पूरा मिक्स आ रहा है। जैसे मैनेजमेंट के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन थे, मैथ देखा जाए 20 से 40 क्वेश्चन मैथ के थे, उसके अलावा इंग्लिश के भी अपन 30 के आसपास, जीके के लेवल ठीक है, लेवल ठीक आ रहा है, कुछ जीके में घुमा दिया गया तो कुछ फैक्ट ज्यादा पूछ लिया तो वो बन नहीं रहा, बाकी जो इजी लेवल है। तो इसके पहले भी दिया था कि आपने पेपर 2017 में, 2017 में भी दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोलना चाहेंगे आप, अगर आप दोनों पेपर का लेवल देखा जाए तो? लेवल नंबर का था तो वो तो अलग ही लेवल का था, इस बार वो बहुत ज्यादा चेंज कर दिया गया है, चेंज करने से बहुत ज्यादा 2-3 महीने में जो टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 3 घंटे में सफिशियंट टाइम है, रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, तुम्हारा है टाइम लग रहा है रीजनिंग में, लेकिन 3 घंटे इनफ है, 3 घंटे तो इनफ है। चलो ये सारी चीज़ें ठीक है, आप कब से तैयारी कर रहे हैं पटवारी की? तो पटवारी की तो अभी स्टार्ट की थी, 4-5 महीने पहले, लेकिन उससे पहले 2013 से एग्जाम दे रहा हूँ मैं, 2013 से आप एग्जाम दे, 2013 से दे रहा हूँ, तो मतलब मेन मेरा एमपीपीएससी था, इससे पहले भी पटवारी दिया था 2017 में, उस टाइम पे भी मेरे 78 आए हुए थे, तो उस टाइम पे भी 1-2 नंबर से रह गया था, इस बार भी मुझे वही लग रहा है कि बाउंड्री के आसपास ही हूँ। क्या आने वाले स्टूडेंट क्या बोलना चाहेंगे? मैं चीज ये है कि आने वाले स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैथ इंग्लिश और मैनेजमेंट पूरा ध्यान दें, मैथ इंग्लिश और मैनेजमेंट को ध्यान दें, और रीजनिंग को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना कम, हाँ उतना अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ सर आपका क्या स्कोर है? सर स्कोर तो बहुत कम है मेरा, 132 के लगभग 32 नंबर आ रहे हैं, 132 नंबर। हाँ तो कैसा क्या लेवल आ रहा है पेपर का? बढ़िया मॉडरेट पेपर है, और जैसा कि अभी जो पिछले वाले भाई जो मेरे साथ में खड़े थे वो बिल्कुल ही सही बात बोल रहे थे कि मतलब जो बंदा पढ़ के आ रहा है, पढ़ाई करके अच्छे से आ रहा है, वो बैलेंस
बैलेंस पेपर है और मिक्स पूछ रहे हैं, ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं कि एक सब्जेक्ट और दूसरा सिलेबस भी चेंज कर दिया था ना, उस कारण भी काफी डिफिकल्टीज आ रही है। 2017 में दिया था पेपर आपने? नहीं, मैंने 2017 में फर्स्ट टाइम आपने पेपर दिया है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, आने वाले स्टूडेंट क्या बोलना चाहिए? आने वाले स्टूडेंट्स को ये कि देखो भाई यार, कोई भी एग्जाम में पढ़ाई करके आओगे तो निकलेगा, और मेरे साथ तो ये है कि अभी जो सिलेबस चेंज हो गया तो हिसाब से आप साथ में जॉब भी करते हैं तो पढ़ाई उसी हिसाब से कर पाई हो, तो बाकी आने वाले स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करना और सिलेक्शन हो जाएगा भाई आपको। ओके मैम, आपका पेपर था पटवारी का? पटवारी पेपर था आपका? कैसा रहा आपका पेपर? कितना नंबर स्कोर किया आपने? मेरा 116। 160? 16। अच्छा 160। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे आप पेपर को लेकर, कैसा क्या लेवल आ रहा पेपर को? पेपर का लेवल तो हाई आ रहा है, इसकी बात है मैथ रीजनिंग थोड़ा ज्यादा टफ आ रहा है। मैथ रीजनिंग ज्यादा टफ और मैनेजमेंट की पैडागॉजी आ रही है। मैनेजमेंट की पैडागॉजी आ रही है। हाईएस्ट स्कोर क्या रहा, कुछ आईडिया है आपको? हमारे वाले ग्रुप में तो 132 हाईएस्ट स्कोर। ओके मैम, थैंक यू। आपका रहा पेपर? तो साथियों और भी देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से रिव्यू लेने की हम कोशिश करते हैं अभी। तो साथियों आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो रही है, रिव्यू ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी एग्जाम जस्ट छूटा है तो काफी ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट अभी जस्ट बाहर आए हैं, और कुछ लोगों जो ने अच्छे से प्रिपरेशन की थी हमने कोशिश की उनसे आपको बताने की कि कैसा क्या यहाँ पर पेपर आ रहा था, कितने का स्कोर हो रहा है। तो फिर भी और भी कोशिश करते हैं जानने की हम कि कैसा क्या पेपर का लेवल यहाँ पर आ रहा है। तो आज का हाईएस्ट स्कोर भी हम आपको बताएंगे क्या रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह आपको सुबह की शिफ्ट में कुछ अच्छे एनालिसिस के साथ में। फिलहाल देखते रहिए आप चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट तुरंत आपको पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।